विनोद जी, अब दो मुद्दे हैं आज के। मैं चाह रहा हूं पहले आप इस मुद्दे पर कमेंट करें, जरा ऊपर वो दिखाइए जो 5-6 दलों के नाम चल रहे हैं ना। एक यूपी की पार्टी है और हम समझ रहे हैं शायद वो महान दल से कुछ चर्चा चल रही है जो मेरी जानकारी है। फिर असम की 3 पार्टियां बताई जा रही है, महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन है और एक पंजाब की पार्टी है। तो ये मिला के 6 छोटे छोटे दल है, इनके पास बहुत ज्यादा नहीं है वोट शेयर। एनडीए में भी कुछ ऐसे ही दल है, उसी तरह इंडिया में भी है, एनडीए में भी। पर क्या ये जैसे मोमेंटम दिखाने के लिए या एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए किया जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी ने किया था अभी असेंबली इलेक्शन से पहले, दारा सिंह चौहान आ गए, ये आ गए, वो आ गए, और बीजेपी अक्सर करती है चुनाव से पहले। बिल्कुल, अभी भी भाई जीतनराम मांझी आ गए, ओम प्रकाश राजभर आ गए, तो आए हैं ना ये लोग। तो क्या ये वो मोमेंटम दिखाने के लिए ये किया जा रहा है? नहीं, दो तरह की चीज। एक तो क्या होता है, एक परसेप्शन बिल्डिंग होती है मोमेंटम जिसकी आप बात कर रहे हैं कि भाई देखिए हमारी जो नाव की बात कर रहे हैं, नाव बहुत तेजी से बह रही है, आ जाओ। तो एनडीए भी करता है, इंडिया वाले भी करेंगे, ये एक तो ये है। दूसरा, इन अपने दलों का जिलों में आंचलिक स्तर पर थोड़ा थोड़ा आधार भी होता है, और जैसे कहीं 5,000 वोट है उनका, चूंकि जाति आधारित ज़्यादातर संगठन है, वर्गीय और जाति आधारित। अब जो ओम प्रकाश राजभर हैं, अकेले एक सीट नहीं जीत सकते लोकसभा की, लेकिन अगर बीजेपी के साथ मिल करके तो एड ऑन कर सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो ऐसे ही केशव देव मौर्य जो हैं, जो महान दल के हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य जो बीजेपी में है, केशव देव मौर्य हैं, अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है। वो भले उनका अपना एक सीट जिताने की ताकत न हो, लेकिन वो कुछ सीटों पर एड ऑन कर देंगे, 5,000 वोट, 4,000 वोट, 8,000 वोट, 9,000 वोट, तो जो कई बार मार्जिनल सीटें होती हैं उनमें फर्क पड़ सकता है। एक तो ये होता है, कार्यकर्ता मिल जाते हैं और एक परसेप्शन बनता है, और फिर वो मंच पर साथ होते हैं तो वो जो जिस बिरादरी से होते हैं या जिस बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, वो एड्रेस होती है कि भाई देखिए हमारे साथ भी ये बैठे हुए हैं, अगर उधर मौर्य जी हैं तो इधर भी मौर्य जी हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो इसलिए इन दलों को जोड़ने की बात होती है। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का दावा है कि शायद उन्होंने ही कहा कि एनडीए में कुछ दल आ जाएंगे, इंडिया में कुछ पार्टियां आ जाएंगी, तो अब कौन आएगा क्या आएगा तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया देखें, जो मैंने वाजपेयी जी से मजाक में कहा था कि चाचा और भतीजे में एक ही रहेगा एनडीए में, क्योंकि स्थिति वो है कि मैया में तो चंद खिलौना ले हूँ, मैं तो हाजीपुर ले हूँ। अब हाजीपुर भतीजा भी अड़ा हुआ है और चाचा भी अड़े हुए हैं। अब हो सकता है कि मोदी जी के प्रभाव में या अमित शाह जी की रणनीति में शायद कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि बीजेपी एडजस्ट कर दे, एडजस्टमेंट हो जाए अगर मान जाए पारस जी। लेकिन ये सब अभी नहीं होगा कुछ भी, ये सब होगा चुनाव घोषित हो जाएंगे, और घोषित होने के बाद जब टिकटों का, सीटों का बंटवारा ये सब उस पर, तब दलों के मूवमेंट इधर से उधर हो सकते हैं, चाहे कोई इधर से उधर जाए या उधर से इधर आए, ये तब होगा। दूसरा कन्वीनर, इसमें खींचतान तो है विनोद जी, इसमें सबको पता है, ओपन सीक्रेट क्यों नहीं होगी। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूं कि इंडिया और एनडीए का फर्क है, एनडीए नेता आधारित गठबंधन है और इंडिया दल आधारित गठबंधन है। एनडीए में मोदी जी एक सूर्य की तरह हैं, सारे उपग्रह उनसे ताकत मिलती है उनको, मोदी जी की शरण में आकर के वो अपना भी भला कर लेते हैं। इंडिया में क्या है कि सब अलग अलग ग्रह हैं, मतलब सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपना प्रभाव क्षेत्र है, अपनी हैसियत है, अपनी ताकत है, किसी ने बीजेपी को हराया है अपने राज्य में, कोई हराने के लिए खड़ा हुआ है, मतलब अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में, तो वहाँ ये तो तनातनी रहेगी। तो क्या ये हो सकता है कि बिना संयोजक के ही ये गठबंधन आगे बढ़े? नहीं, संयोजक नीतीश जी इसीलिए शायद बाहर हो गए ना। नहीं, नीतीश जी अंदर कब थे, मतलब रेस में थे नीतीश जी ने, नीतीश जी आज भी रेस में है। देखिए, मतलब आपको लग रहा है कन्वीनर बनेगा कोई? वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, पुराने हैं, शहजाद तो बाद में आए राजनीति में, हम लोगों ने जो दौर देखा है, बीपी सिंह भी कहते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा मैं रेस में नहीं हूँ, बैठे पूछे हैं, अब बन गए। अरविंद केजरीवाल कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, जो परम सुन रहे हैं जो कन्वीनर बनेगा, राजनीति में आऊंगा नहीं। पर विनोद जी, जो कन्वीनर बनेगा वो इंडिया गठबंधन का चेहरा बन जाएगा, इसीलिए हम सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। चेहरा अध्यक्ष अगर साथ बन गया तो कैसे बनेगा भाई? जॉर्ज साहब कन्वीनर थे, अटल जी अध्यक्ष थे, तो चेहरा कौन था? ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकल सकता है, बनता नहीं। अब ये निकले कि नहीं निकले मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो सुरेंद्र जी जाने और राजीव रंजन जी जाने, भाई ये पार्टियों के नुमाइंदे हैं। मैं तो एक तथ्यों की बात कर रहा हूँ कि चेहरा कौन बनेगा पदों के आधार पर ये भी, लेकिन संयोजक, जो कल भी बात हो रही थी आपके यहाँ, संयोजक और अध्यक्ष, इस तरह का स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। आप बिखरी हुई सेना लेकर के सामने वाले उस सेना के सामने नहीं जा सकते जो बहुत ताकतवर है। अभी 1983 की बात हो रही थी, सुरेंद्र राजपूत ने कहा, तो भाई सामने क्लाइव लाइट की टीम थी, तो फिर कपिल देव को आगे लाना पड़ा ना। तो आपको कोई ना कोई लीडर, भले आप उसको घोषित ना करें प्रधानमंत्री,
का उम्मीदवार, लेकिन चाहे अध्यक्ष के रूप में चाहे कन्वीनर के रूप में या दोनों चेहरे देने पड़ेंगे आपको, कुछ स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। ओके शहजादे कमेंट।